ठीक है गाइस, स्टडी में आपके एक बार फिर से स्वागत है। देखो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 1.16 आपके पास न्यूमेरिकल है, सॉरी 1.15 एक न्यूमेरिकल है जो कहता है आपके पास कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है विच इज इक्वल टू 3 × 10⁻³। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको ध्यान सबसे पहले यहां जाना चाहिए, एक बात आपके दिमाग में स्ट्राइक कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। आपको सबसे पहले पता करना है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है आपके पास, तो हमने बोल दिया कि एक स्क्वायर है जिसके पास कितनी साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑन अ साइड हुज प्लेन, उस तरफ निकालना है आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, जिसका प्लेन पैरेलल है वाई जेड प्लेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके पास बोलता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। उसके अलावा आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, और आपने उसकी उस तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जिस तरफ उसका वाई जेड प्लेन जो है वो पैरेलल है किसके, इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, सॉरी इसके स्क्वायर के उस तरफ आपने निकालना है जो कहां पे है, पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। अब आपको तीन एक्सिस के बारे में तो पता होगा ही। ठीक है, देखो बोर्ड पे आप किस तरह से ड्रा करते हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना। और अगर एक्चुअल में थ्री डायमेंशनल फिगर अगर मैं आपको बताऊं तो आप कैसे ड्रा करते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इसी तरह होता है आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहली बात जो आपको यहां पे ध्यान देने वाली है वो क्या है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास क्या है। देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपकी तरफ जो पॉइंट कर रहा है दैट इज योर जेड एक्सिस। ठीक है जी, इतनी आपको बात क्लियर है। ये आपके पास इस तरह से कहता है, तो आपके पास सबसे पहली बात जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज 3 × 10⁻³। आई कैप की तरफ ध्यान देना चाहिए, आई कैप की अगर आपके तरफ ध्यान जाएगा तो आई कैप से आपको पता है यानी कि अलोंग पॉजिटिव कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपको पता है, पहली बात आपको पता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ ही है। दूसरा कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उस स्क्वायर की उस साइड पे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो क्या है, पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ जरा, ठीक है, ये देख लो, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस, यही है। अब मैंने एक स्क्वायर ले लिया, चलो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ये देख लो जी, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। हम मान रहे हैं कि ये एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, मत बोलो कि सर ये तो रेक्टेंगल है, कि हमने मान लिया कि ये स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, और वो जो स्क्वायर आपने उस तरफ निकालना है जो वाई जेड के पैरेलल है। ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, जेड एक्सिस। अब आपको पता है वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपके तरफ क्या होगा, वाई जेड प्लेन की तरफ ये वाला, इधर की तरफ है ना, बोलो वाई जेड प्लेन की तरफ इधर की तरफ होगा, हाँ है ना, ये समझ आया, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ये आपका वाई जेड प्लेन है, ठीक है, ये आपका वाई जेड प्लेन है इस तरह, ये वाला, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये वाला क्या है, वाई जेड प्लेन है आपका, ठीक है। अब इसकी बात करें क्या, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो आपको पता है वाई जेड प्लेन के पैरेलल तो आपका ऐसे ऐसे करके ही होता है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ये वाई जेड प्लेन है, अगर इधर इसके पैरेलल ऐसे 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 करके चलती जा रही है कहानी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है इस तरह से है, यानी कि आपके पास जो स्क्वायर है उसकी उस साइड पे जो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके जा रहा है, विच मीन्स आपके पास पता तो आपको चल गया कि इसकी जो ऐसे करके पैरेलल है, तो अब यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, आपको पता है एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर, एरिया एलिमेंट का परपेंडिकुलर, ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, यहां से बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे, ठीक
ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हो सर? तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सॉरी, जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू डॉट डी एस, यही पढ़ा है। इसके बारे में तो सर हमें पता है, तो इसका क्या है? इसकी साइड, ये तो हमें पता है कि ये कोई छोटा एरिया एलिमेंट है, और आपको पता है एरिया एलिमेंट जो होगा, तो ये आपने बोलता है स्क्वेयर है, ये इसका पूरा एरिया होगा ये वाला पोर्शन। देखो साइड 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड का स्क्वेयर होता है, विच मीन्स आपका जो ये डी एस होगा दैट विल बी एरिया ऑफ, अगर साइड आपके पास कितनी है ये तो आपको बिल्कुल समझ आ ही गया होगा, साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आपको पता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जो आपके पास वेक्टर होगा वो हमेशा कैसे होता है, इस परपेंडिकुलर, है ना? तो परपेंडिकुलर, तो इधर की तरफ कौन सा एक्सिस था? एक्स एक्सिस ही था, यानी कि आपका जो ये एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ ही है। यही आपको इसमें समझना था कि आपके पास एक स्क्वेयर लिया हुआ है और उसके उस साइड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जो पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है, और उसके पैरेलल अब आपके पास हमेशा होगा, अगर ये एक सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर इस तरफ आउटवर्ड जो होगा तो यहां से परपेंडिकुलर निकल रहा है, ठीक है, और वो उस तरफ आपकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस है, इसलिए आपके पास ये जो चीज है इसके साथ आई कैप आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं डी एस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर आई कैप। और मैंने आपको बहुत बार बोल दिया कि जब कभी भी हमें न्यूमेरिकल निकालना होगा तो हमें यूनिट्स कैसे रखने हैं, एसआई यूनिट। 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10^-2 इंटू 10^ इसका होल स्क्वेयर। बोलो हाँ है ना? अगर आपके पास ये होता 10 सेंटीमीटर तो आप क्या लिखते? सर हम लिखते 10^-2 मीटर, ऐसे ही करते हो। अब इसका अगर स्क्वेयर है, ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर का क्या है स्क्वेयर, तो इधर की तरफ भी क्या होगा 10^-2 का स्क्वेयर, तो आप यहां से लिख सकते हो 10^-2, यहां से आपका -1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो 10^-2, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हो 100 को, तो आप लिख सकते हो 10^-10^4 विच विल बी अगेन 10^-2 मीटर स्क्वेयर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास बात खत्म होगी, अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ई डॉट डी एस है, तो आपको पता है दिस इंप्लाइज ई की जगह में लिख सकता 3 × 10^3 और आई कैप है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डी एस की वैल्यू हमने अभी लिखी है सर, कितनी आई थी 10^-2 मीटर स्क्वेयर, वैल्यू नहीं लिखते, उसके साथ आई कैप। आई डॉट आई कितना होता है? हाँ 1 सर, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 3 × 10^1, हाँ है ना, विच इज अगेन 3 × 10^3 × 10 विच इज इक्वल टू 30। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट होता मीटर स्क्वेयर, तो यहां से लिख सकता मैं यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, ये आपके पास निकल गया जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस तरफ, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि अगर ऐसा हो कि अब वो जो प्लेन है वहां पे आपका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री जी, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में कहता है कि अगर आपका प्लेन ऐसा हो कि वो आपके पास कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आपके पास देखो यहाँ पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इधर की तरफ एक्स एक्सिस पे यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी थी और यही एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी थी, डी एस कैप लिख सकते हो और ई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या था, ये दोनों तो एक ही तरफ थे, अगर देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये होता किसके बराबर, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा के बराबर। तो जब दोनों एक ही तरफ थे तो आपने लिख दिया था ई डी एस और कॉस ऑफ 0 डिग्री, और आपको पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 हो जाता है कि नहीं। अब कहता है कि अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो अगर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 60 डिग्री, ठीक है जी। ये वैल्यू तो हमने अभी निकाली है तो वापस से वैल्यू पुट करके नहीं निकाल रहे, तो हम इसको सीधा लिख रहे हैं 30 इंटू
cos 60 डिग्री की वैल्यू अब हमें पता है, दैट इज 1 बाई 2, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी योर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। यही आपके पास टॉपिक था, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो समझना है वो इस स्क्वायर के बारे में समझना है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड कितनी होती है। अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक ऐसी साइड पे जो क्या है, पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि वाई जेड प्लेन है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापिस से बता रहा हूं, ये आपके पास इस तरह से है, ठीक है, एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इस वाई जेड के, इस वाई जेड प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो अब यहां से जब भी उसका जो एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होती है एरिया एलिमेंट, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां से जो डायरेक्शन होगी वो यहां की तरफ होगी और यहां की तरफ पहले ही एक्सिस, तो वो तो हो गया उनके बीच के एंगल 0 डिग्री। अब कहता है कि यहां पे वो एंगल 60 डिग्री कर दो, कितना 60 डिग्री। तो जैसे 60 डिग्री करोगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट की वजह से हमेशा क्या आता है, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से निकल जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर है। अगर आपको किसी में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को जरूर पूछना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, इसके बाद आगे और यार प्लीज सब्सक्राइब करो ना स्टडी हब को।